हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, गुड न्यूज़ फॉर यू विच आई प्रॉमिस टू यू, यानी हम आपके लिए वो गुड न्यूज़, वो सरप्राइज लेकर आ गए हैं जिसका हमने आपसे वादा किया था। ओके बच्चों, गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए स्पेशली है ही, बाकी सरप्राइज जो है उसके लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि जो हम लोग लेकर आ रहे हैं गुड न्यूज़ उसको समझना भी ज़रूरी है, और जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं, तो उन लोगों को भी पता लग जाएगा। ओके बच्चों, तो आज सबसे पहले आप ये काम करेंगे, क्योंकि सरप्राइज तो आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा सबसे पहले, और वीडियो शुरू होने से पहले, गुड न्यूज़ को जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये हम लोग आई थिंक मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम है फाइनल, उसके लिए हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये स्पेशल सरप्राइज आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, ताकि आपके एग्जाम आपके लिए आसान हो सके। तो चलिए बच्चों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सरप्राइज जो है वो ये है कि क्लास 8 होल सिलेबस इन वन शॉर्ट वीडियो, यानी अब आपका क्लास 8 का पूरा सिलेबस, यानी पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी में 10 चैप्टर्स जो है हम लोग चैप्टर वाइज उसको पढ़ चुके हैं, पार्ट में जो है हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों ने शुरू से ही नहीं पढ़ा, तो जल्दी से आप लोग उन सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए, अभी भी आपके पास वक्त है, आप लोग फॉलो करते हुए सारा देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ लिया, जिनको अभी तैयारी करनी है, जिनका लर्न साइंस के साथ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उन लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि पूरा सिलेबस अब हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इट मीन्स के जो क्लास 8 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, उसमें 10 चैप्टर्स हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चैप्टर की वन शॉट वीडियो बनाएंगे और 5 चैप्टर की वन शॉट वीडियो बनाएंगे। इट मीन्स के 2 वीडियो में पूरा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट। ओके, है ना बच्चों, शानदार आप लोगों के लिए सरप्राइज। और इसी तरह ज्योग्राफी को हम करेंगे, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स थे, 6। ओके, 3-3 करके हम वन शॉट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स आपके 4 वीडियोस में आपका पूरा सोशल साइंस कंप्लीट। तो बच्चों, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात क्या हो सकती है। आई नो आप लोग सब एक्साइटेड हो गए होंगे, बहुत खुशी से उछल रहे होंगे डिफरेंट कैट्स की तरह। ओके बच्चों, तो यही था आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह इट विल कम सून फॉर योर फाइनल एग्जाम्स प्रिपरेशन। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, आपस में एक दूसरे का ख्याल कीजिए, आपस में लड़िए मत, स्कूल में प्यार मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए, किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन मत कीजिए, एक दूसरे के फंडामेंटल राइट का रेस्पेक्ट कीजिए बच्चों। और साथ ही इसलिए भी, क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे लिए फ़र्ज बनता है कि हम उस चीज़ पर अमल भी करें, हम पढ़े लिखे जाहिल ना बने। हमारा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर था वो कौन सा था, यस, पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट इज द की फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तो एक दूसरे का लिहाज कीजिए, खुद भी पढ़िए, उनको भी पढ़ने दीजिए, एग्जाम बहुत करीब है, पढ़ सकते हैं। और हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था कि होपफुल, स्किल्ड और एजुकेटेड और पॉजिटिव आउटलुक वाले जो यूथ है, वो किसी भी देश का एक क्या होता है, जीता जागता और चमकता हुआ फ्यूचर होता है। तो आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ये एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट वाली वीडियो थी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए और आप लोग सब रेडी हो जाएं उसके लिए, अपना माइंड भी प्रिपेयर कर ले, अपनी कॉपी पेंसिल भी प्रिपेयर कर ले। ओके, जो पॉइंट मैं लिखाऊंगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और एक बार कह रही हूँ मैं आपसे, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग वन शॉट वीडियो में जल्दी, बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह, आपके मार्च से पहले हम लोग ज़रूर ये वन शॉट वाला सिलेबस कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, और साथ ही फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव और MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए बच्चों, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। ओके।